आप घर पे कभी सेविंग करते हैं? सेविंग के दौरान कभी कट जाता है, वहाँ से ब्लड निकलता है, ब्लड रोकने के लिए आप फिटकरी का यूज करते हैं। जो घर की महिलाएं हैं अपने सौंदर्यकरण हेतु भी इस फिटकरी का यूज में लाया करती हैं, तो इस फिटकरी का यूज तो हजारों वर्षों से घरों में किया जाता है, तो इसको सभी लोग भली भांति जानते हैं। परंतु इस फिटकरी के कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते और आप उनका यूज नहीं करते। तो कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो 100% साइंटिफिक हैं। आप उनका यूज करके देख सकते हैं, आपको उसमें किसी का प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। तो आज की जानकारी स्टार्ट करते हैं कि फिटकरी के कुछ अमेजिंग इफेक्ट के बारे में। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग या रुचिकारक जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो इस फिटकरी को तो आप भली भांति जानते हैं, परंतु आपको पता है इस फिटकरी सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी और इसको किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिटकरी का निर्माण 1500 ईस्वी में यूरोप में किया गया था, और उससे पहले सीरिया में फिटकरी बनाई गई और हिंदुस्तान में फिटकरी का निर्माण पंजाब में सबसे पहले किया गया था। इसको बनाने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का था, इसको बनाने में 8 महीने लगते थे पहले के ज़माने में। आजकल तो फैक्ट्रियों के द्वारा ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस फिटकरी को बनाने के लिए एक मिट्टी का यूज किया जाता है, उस मिट्टी को साधारण भाषा में रोल कहते हैं और इसको इंग्लिश में एलम शेड के नाम से जानते हैं, जिसमें मिट्टी में आपको सल्फेट ऑफ पोटेशियम, सल्फेट ऑफ अल्मोनियम और आयरन जैसे तत्व मौजूद होते हैं। तो इस फिटकरी का उपयोग जो फिर निर्माण है वो एलम शेड मिट्टी से किया जाता है। तो बात करते हैं इस फिटकरी के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। तो गर्मियों के मौसम में कभी कभी ठंड गर्म से नाक से ब्लडिंग होने लगती है, तो उस ब्लडिंग को रोकने के लिए आप फिटकरी ले लें करीब 10 ग्राम, उसको तवा पे रखें और उसका खील कर लें या उसकी भस्म कर लें, और भस्म होने के बाद आप उसको हथेली पे रख के सूंघें तो आपके नाक से जो खून निकल रहा है वो बंद हो जाता है। इसी प्रकार आपको कभी खांसी होती है तो खांसी में जो है आपको ब्लडिंग होने लगती है, तो उस ब्लडिंग को रोकने के लिए आप करीब 1 ग्राम फिटकरी ले लें और उसमें 3 ग्राम शक्कर ले लें, उसकी 4 पुड़ियाँ आप कर लें और उस पुड़िया को आप हर 2 घंटे के बाद आप दे दें, तो देखेंगे आपके जो खांसी के दौरान जो ब्लडिंग हो रही थी वो भी बंद हो जाती है। इसी प्रकार इसका उपयोग अतिसार में भी किया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में आप अफीम के साथ इसका सेवन कर लें तो आपके अतिसार भी बंद हो जाती है। मुंह में छाले हो जाते हैं या मुंह पका बीमारी हो जाती है तो आप फिटकरी और चमेली के पत्ते दोनों को खौलाकर आप इसका कुल्ला करें तो आपके मुंह के छाले या मुंह पका बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार आपके जो दांत हैं उनमें दर्द होती है या दांत सड़ गए हैं या हिलते हैं तो आप इस जो स्पाटका है या फिटकरी है उसके आप कुल्ला करें, उससे ही मंजन करें हल्के हाथों से, तो आपके देखेंगे कि वहाँ के जो दाँड खुक्कल है या दर्द है उसमें बहुत आराम होता है। बिच्छू के जहर उतारने के लिए आप फिटकरी को पानी में घोलकर वहाँ लेप कर दें तो जो बिच्छू का जहर है वो भी उतर जाता है। अगर आपको जहरीला सांप काट ले तो ऐसे में आप इस फिटकरी को 6 ग्राम की मात्रा में पानी में घोलकर आप इसको पिलाते रहें तो उसका जो जहर है सांप का वो कम हो जाता है। श्वास रोग या दमा में भी इस फिटकरी का आप यूज कर सकते हैं। आपको थुअर लेना है, उसका डंठल, उसके अंदर आप इस फिटकरी को भर के रख दें, उसके बाद इसमें कप्पड़ मिट्टी करें और उसके अग्नि कंडों की जो होती है उसमें आप उसको जला दें। जो इसमें भस्म मिलेगी उसके करीब आप 250 से 500 mg की मात्रा में पान के पत्तों के साथ आप सेवन करवाएं तो आपकी खांसी और अस्थमा में बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। स्त्रियों की जो गांठें स्ट्रेस में हो जाती है उसको भी दूर करने के लिए आप इस फिटकरी का यूज कर सकते हैं। आपको फिटकरी लेनी है 250 ग्राम और उसमें 1/2 किलो आपके नीम के पत्ते लेने हैं और एक मटके में आप रखकर इसको कपड़ मिट्टी कर और करीब 10 किलो कंडों की आप आग दे दें, और जब आग देने के बाद जब ये ठंडी हो जाए आग आप उसको निकाल लें, जो उसकी भस्म है उसकी करीब 2 रत्ती करीब 250 से 500 mg की मात्रा में आप इसका सेवन करवाएं अशोका रेस्ट के साथ, तो आप देखेंगे जो यूट्रस या ओवरी में सिस्ट है वो भी
खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। कहीं भी शरीर में जख्म हो जाती है, घाव भरता नहीं है, खून निकल रहा है, तो आप ऐसे में फिटकरी को पीसकर और ऊपर से बुरकते जाएं तो देखेंगे आपके जो घाव है बहुत जल्दी भर जाते हैं। बवासीर जैसी बीमारी में भी इस फिटकरी का यूज किया जाता है। उसको यूज करने के लिए आप 250 ग्राम फिटकरी ले लें और 250 ग्राम सफ़ेद कागज़ ले लें, उसमें इसको लपेट दें, उसके बाद इसको कपड़ मिट्टी करें और इसको कंडों की जो आग है दे दें। और जब आप इसकी आग दे देंगे तो इसके बाद इसमें जो भस्म मिलेगी उसको आप 250 ग्राम घी में मिक्स कर लें। और इसको मिक्स करते समय आपको इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक ऐसा पात्र लेना है जिसमें 2 से 3 दिन इसमें दही भरा रखा हो। उस पात्र में आप नीम की जो लकड़ी है उसके साथ इसको खरल करें, बारीक करें, जब तक कि ये जो मिक्स है, जो पेस्ट है, वो लाल ना पड़ जाए। जब वो लाल हो जाए तो आपका जो मरहम है वो तैयार है। और उससे पहले आप क्या करें कि सोया के बीज ले लें, पानी में खौलाएं और उस पानी से आप सुबह शाम 2 दिन तक धुलाई करें। और उसके बाद आप इस पेस्ट को एक कॉटन में रखकर सुबह को बांध दें। सुबह को बांधा हुआ जो लेप है आप शाम को उतार दें, शाम को बांधें और सुबह उतार दें। ऐसा आप 7 दिन करते हैं तो आपके जो मस्से हैं बवासीर के वो सूख के झड़ जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आप स्वस्थ हो सकते हैं। जिन छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाती है या सांस की प्रॉब्लम है या घर घर की आवाज़ आती है, चेस्ट में कफ भर जाता है, उन रोगों में आप इस फिटकरी का यूज कर सकते हैं। आप इसकी भस्म कर लें, उसके बाद आप इस फिटकरी को अकौवा, जिसको आंकड़ा भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, उसके पत्ते या उसके दूध के आप इसमें 2 भावना देकर इस फिटकरी को सुखाकर रख लें और इसकी 125 mg की मात्रा में आप इसका उपयोग शहद के साथ करवाएं तो आपके जो निमोनिया जैसे रोग हैं उसमें बहुत आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। तो इस फिटकरी का यूज किडनी के स्टोन निकालने के लिए भी किया जाता है। इसमें फिटकरी, जवाखार, मूलीछार, नौशादर और इसमें अजरूल युद्ध भस्म, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप सेवन करवाएं तो आपके किडनी के जो स्टोन है वो भी टूट टूट कर बाहर निकल जाती है। इस फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल का भी गुण बहुत अच्छा होता है। जिन लेडीज या महिलाओं को रक्तपिदर या स्वतपिदर की समस्या रहती है उसमें आप इसकी पिचकारी अंदर मारें तो उनके जो स्वतपिदर है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और वहाँ की स्किन टाइट होती है, तो इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। कहीं भी गुम चोट लग जाती है तो ऐसे में आप फिटकरी, हल्दी, चूना और नागफनी का पत्ता इस पर रख के गर्म करके आप शाम को बांध दें तो देखेंगे वहाँ की सूजन, दर्द और जो जख्म है वो भरने में ये फिटकरी बहुत अच्छा काम करती है। ये तो आजकल गांव में सभी लोग करते हैं तो आप भी इसका उपयोग करके देख सकते हैं। तो जब भी आपको फिटकरी का यूज करना हो तो आप इस फिटकरी का फूला बना के यूज में ला सकते हैं। डायरेक्ट आपको इस फिटकरी का यूज नहीं करना होता है। तो फिटकरी का आप ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करते हैं तो आपको शरीर में खुश्की पैदा हो सकती है और खुश्की आने के बाद आपको खांसी आएगी और खांसी होने के बाद आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए आप इसकी जो है ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। सिर्फ जहर जिसको सांप काट लेता है उसको ही 6 से 7 ग्राम की मात्रा में सेवन कराया जाता है।